ऐसा कोई विचार न करना कि राम बड़े कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े राम छोटे, राम कृष्ण दो एक हैं, राम और कृष्ण स्वयं अभेद स्वरूप हैं। हमारे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु षडभुज रूप को धारण करके श्री राम की और श्री ठाकुर जी की स्थिति को एकत्व भाव में उपस्थित करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग तर्क करें, भाई इनमें 12 गुण हैं, इनमें 16 गुण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रज में जब पधारे, अब देखो ब्रजवासी अपनी अदवे तो कभी छोड़े ना ही ना, तो वाने कह दी, सुनो भाई तुम्हारे राम में 12 गुण और हमारे ठाकुर जी में 16 गुण। तो तुलसी जी वाके पामन में गिर पड़े, अच्छा भैया 12 गुणे राम जी में, मुँह मालूम ही ना थी, मैंने तो एक गुण पे मानस लिख दी, अब तो 12 मानस लिखनी पड़े। वो यही बात ते चरण, तू तो मेरो भाई गुरु है गयो। देवतान में तुलना करने को कोई बंधन ना रखो। जैसे ये आसमान से गिरा हुआ जल नाली पोखर नदी में कैसे भी होते हुए समुद्र तक पहुंच जाता है, ऐसे ही आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। ये केशव देव का स्थान है। आप किसी को प्रणाम करो, जैसे आसमान से गिरा जल कैसे भी समुद्र तक पहुंच जाता है, ऐसे ही किसी को भी किया हुआ प्रणाम घूम फिर करके मेरे केशव देव तक पहुंच जाता है। ऐसी दिव्य स्थिति। इसलिए तुलना के चक्कर में न फंसियो। राम छोटे कृष्ण बड़े ऐसा कोई नहीं। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।